सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आज भी हमने एक तारीखी तेज़ी देखी है और 600 से ज़ायद पॉइंट्स का आज भी इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 90,864 पॉइंट्स पर आज बंद हुआ। एक मौके पर 91,000 से भी ज़ायद पर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, तो बहुत तेज़ी के साथ अब इंडेक्स का 1,00,000 की तरफ ये सफर जारी है और तमाम सरमाकारों का एतमाद इस वक्त मुकम्मल तौर पर मार्केट पर बहाल है। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे चलकर इस मौजू पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, चूँकि एक और बड़ी अहम खबर है और वो है PTCL से मुतालिक, जो कि हर साल अपने खसारे को बढ़ाता जा रहा है और उसके बावजूद टेलीनॉर को ख़रीदने में, जो कि मुल्क की एक बड़ी सेलुलर कंपनी है जिसकी 3 से 4 अरब डॉलर्स की पाकिस्तान में टोटल इन्वेस्टमेंट थी, उसको ख़रीदने में मसरूफ़ है और न सिर्फ मसरूफ़ है बल्कि 108 अरब डॉलर्स में ये मामला तय हुआ है, जिसके बाद कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त भी मामला ज़ेर समात है। अब जो PTCL का जो खसारा है इस साल, वो उनकी आमदनी 15.3% के साथ 160.6 अरब रुपये का इसमें इजाफा हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो खसारा हुआ है PTCL का, वो 15.3 अरब रुपए का है। और इससे पहले भी हमने पिछले 2-3 सालों में इसी तरह के खसारे PTCL में होते देखे थे। तो एक तरफ इतने खसारे में चलने वाला इदारा है और दूसरी तरफ 108 अरब डॉलर्स की ये डील कर रहे थे, ये टेलीनॉर को ख़रीद कर उसको कामयाबी के साथ चला सकेगा। हमने देखा था कि जब PTCL के कुछ हिस्से को प्राइवेटाइज़ किया गया था तो इत्तेसालात को उसका 26% शेयर दिया गया, लेकिन वहाँ भी कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। इत्तेसालात इसको इस वक्त पूरी तरह से चलाता है, पूरा इंतज़ाम उसके हाथ में, लेकिन PTCL के जो मामला थे, जो खसारा था, वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। नशीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। बहुत शुक्रिया नशीद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक तरफ हेयरिंग चल रही है, PTCL 108 अरब रुपये में खरीदने की पूरी तैयारी भी टेलीनॉर को कर चुका है, लेकिन खुद तो ये कभी 15 अरब रुपये का नुकसान कर रहा है, कभी ये 10-12 अरब रुपये के नुकसान में, पिछले 3-4 सालों से ये नुकसान और खसारा तो बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर किस तरह से इतने बड़े सेटअप को PTCL खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर सकता है? वालेकुम सलाम जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें ऑब्वियसली जो है ऑपरेशनल सेंस में और मैनेजमेंट सेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो टेलीनॉर इन इटसेल्फ एक प्रॉफिटेबल एंटिटी है, लेकिन ऑब्वियसली फिर देखना पड़ेगा कि जब वो PTC के ग्रुप के अंदर आ जाती है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। PTC के कुछ फंडामेंटल इश्यूज़ ये हैं, एक तो उसकी स्टाफ की कॉस्ट वगैरह बहुत हाई है, जो कि नॉर्मली एक गवर्नमेंट ओन्ड या एक गवर्नमेंट एक फॉर्मर गवर्नमेंट ओन्ड इदारों में देखा जाता है कि परहैप्स ओवर स्टाफिंग वगैरह होती है या स्टाफ को प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा होता, तो स्टाफ की सैलरीज़ वगैरह और स्टाफ के बेनिफिट्स वगैरह की कॉस्ट काफ़ी हाई हैं PTC में। उसके अलावा अगर हम देखें तो ऑब्वियसली PTC एक ऐसा बिज़नेस है कि जो कि हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो वाली इन्वेस्टमेंट करने के लिए PTC लोन्स वगैरह लेता है, तो इसके बैंक्स वगैरह के लोन्स काफ़ी हाई हैं, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट आ, तो इस इन टर्म्स में तो स्लाइड गोइंग फॉरवर्ड इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि जैसे जैसे इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं तो गोइंग फॉरवर्ड फाइनेंस कॉस्ट तो स्लाइटली इम्प्रूव होगी। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें, जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बता दिया कि 108 अरब रुपए का टेलीनॉर को ख़रीद रहा है PTC, तो ये 108 अरब रुपए ख़रीदने के लिए PTC जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन ले रहा है $400 मिलियन का। तो वो $400 मिलियन का लोन आजकल के रुपए में तकरीबन यही 110-112 अरब रुपए ही बनते हैं, तो वो फ्यूचर में जाके वो डेट भी ऐड होगा। तो ये है कि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, टेलीनॉर के आने के बाद, क्योंकि अगर हम देखें तो इस टाइम पे PTC के पास फॉर्मली जो यूफोन होता था, यूफोन का ब्रांड ऑलरेडी उनके कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर आता है, तो यूफोन के का जो ब्रांड है उसका मार्केट शेयर अराउंड 13-14% का है। फिर अगर हम टेलीनॉर को देखें तो टेलीनॉर का तकरीबन 23% का मार्केट शेयर है पाकिस्तान की मार्केट में, तो ये कंबाइन होने के बाद तकरीबन 36-37% का शेयर हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा जैज़ से, जैज़ जो कि इस टाइम पे सबसे बड़ा टेलीकॉम का ऑपरेटर है।
या मोबाइल का ऑपरेटर है तो उसके ऑलमोस्ट बराबर ही शेयर हो जाएगा। तो देखते हैं कि पीटीसी कैसे इसको लेके चलता है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जो है सिनर्जी होने के बाद या एक्विजिशन होने के बाद टावर्स वगैरह की कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। तो टावर्स की कॉस्ट रिड्यूस होने से जाहिर है कि थोड़ी सी जो रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है वो भी रिड्यूस होगी, और फिर जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं यानी कि जो बड़े एसेट्स होते हैं वो किसी भी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के ऊपर डिप्रिशिएट भी हो रहे हैं, तो डिप्रिशिएशन की कॉस्ट भी रिड्यूस हो, और प्लस ये कि जब वो एसेट्स सेल करेंगे तो उससे भी थोड़ी अमाउंट आएगी। तो नशी साहब, एक तो ये जो 400 मिलियन डॉलर्स का भी आपने जिक्र किया कि ये लोन ले रहा है इस वक्त पीटीसीएल, और इसके बाद जो टेलीनॉर का अपना एक स्टैंडर्ड था, जो सर्विसेज क्वालिटीज थी उसकी, तो उसको मेंटेन रखने के लिए भी ये खबर आ रही थी कि 500 मिलियन डॉलर्स का मजीद उसको लोन लेना पड़ेगा। इतने ह्यूज लोन्स लेकर इस वक्त जब ये टेलीनॉर को खरीदना चाह रहा है, तो इसमें जो इत्तेसालात है, जो 26% का शेयर होल्डर है पीटीसीएल का, उसका कहीं कोई किरदार हमें नज़र नहीं आ रहा, चूँकि उसके प्रॉफिट्स तो बहुत ह्यूज हैं, और अगर वो ये लोन पीटीसीएल को, वो लोन भी नहीं, अगर वो ये इन्वेस्टमेंट कर दे तो शायद पीटीसीएल को इन लोन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, यही सबसे बड़ा इशू हुआ है कि इस डील में शायद थोड़ा सा लोग इस चीज़ को ओवरलुक कर रहे हैं कि अगर तो ये प्योरली इन्वेस्टमेंट आती इत्तेसालात ग्रुप की तरफ से तो ये एक अच्छी डील होती, लेकिन ऑब्वियसली इस टाइम पे जब ऑलमोस्ट 100 बिलियन रुपए का लॉन्ग टर्म लोन ऑलरेडी पीटीसी के पास मौजूद है, तो इसके ऊपर टेलीनॉर की डील के बाद जो लोन है वो तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो 100 बिलियन का लोन है वो फर्दर 220 अरब पे पहुंच जाएगा। तो उसकी वजह से जाहिर है कि फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और जो लॉस में पीटीसी है वो फर्दर लॉस में चला जाएगा। तो ये चीज़ें इंप्रूव होनी होंगी ऑपरेशनल सेंस में भी, स्टाफ वगैरह की बेटर यूटिलाइजेशन में भी। और अच्छा, आपने टेलीनॉर, आपने इत्तेसालात का नाम लिया, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं जी कि अगर आप क्लोजली इनकी स्टेटमेंट्स को देखें तो इत्तेसालात बल्कि उल्टा तकरीबन 3.5% ऑफ रेवेन्यू, यानी कि पीटीसी जितना भी रेवेन्यू बनाता है उसका 3.5% इत्तेसालात चार्ज करता है पीटीसी को एज अ टेक्निकल सर्विस फी। अच्छा, तो ऑब्वियसली अब ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है देखने की वाली कि इत्तेसालात अगर टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है पीटीसी को और 3.5% की फीस चार्ज कर रहा है जो कि 5 अरब रुपए बन जाती है एनुअल, तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है? मतलब कि कोई ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट तो नज़र नहीं आ रही कि अगर टेक्निकल फीस प्रोवाइड हो रही है इत्तेसालात की तरफ से और वो इतनी उसका हाई अमाउंट चार्ज किया जा रहा है 5 अरब रुपए का, तो ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हैं और ये देखनी पड़ेंगी पीटीसी को लेकर। तो नशी साहब, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किन ग्राउंड्स पर इस वक्त इस मामले को देख रहा है, चूँकि हम देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे से इसकी हियरिंग्स चल रही हैं, तो अब वहाँ पर क्या ये सारी चीज़ें गौर तलब हैं कि पीटीसीएल जो कि हर साल कोई 18-20 अरब रुपये का खसारा कर रहा है, एक ऐसी कंपनी जो मुस्तकिल खसारे में, वो इतनी बड़ी सेलुलर कंपनी को लेकर किस तरह चलाएगी? वो कर्ज़े लेगी तो आगे चलाने में मुश्किल पेश आएंगी। एक उनका सिस्टम था, एक उनका एक क्वालिटी स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर क्या कामयाबी के साथ पीटीसीएल चला सकेगा? फिर इन ग्राउंड्स को क्या देखा जा रहा है, और उसकी बुनियाद पर ये डील क्या अंडू यानी रिवर्स भी हो सकती है? एक्सपेक्टेशन तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि डील रिवर्स होगी, क्योंकि आई थिंक अगर हम कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बेसिकली जो है वो कंपटीशन या फ्री एक फेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा बेहतर देखता है बजाय इसके कि जो है फ्यूचर में वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती या नहीं हो सकती। यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शायद कंज्यूमर के या एक कंट्री या मैक्रो लेवल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा सोचता है कि क्या कंपटीशन वगैरह किल तो नहीं हो रहा किसी कंट्री में, या कंज्यूमर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हाँ, शायद आपकी बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो जाएगी कि कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद इस चीज़ को कंसिडरेशन में दे सकता है कि क्या एंड कंज्यूमर को वही क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी जो कि टेलीनॉर दे पा रहा था कंज्यूमर्स को। तो आई डोंट थिंक सो कि एज सच जब से पीटीसी ने एक्वायर किया है तो एज सच यूफोन के यूज़र्स को कोई कंप्लेंट है कि कोई सर्विस में कुछ नेगेटिविटी आई है या सर्विस की क्वालिटी में कुछ ड्रॉप हुआ है।
हाँ ओवरऑल बेसिस पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, तो एक्सपेक्टेशन ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज़ फाइनलाइज या अप्रूव नहीं होगी। प्लस एक और हमने इस चीज़ का एक दूसरा पहलू या रुख भी देखना है कि टेलीनॉर जो है वो बेसिकली एग्जिट करके जा रहा था पाकिस्तान से, तो ऑब्वियसली टेलीनॉर नो लॉन्गर वो मैनेज करने वो मैनेज करना नहीं चाह रहा और वो एग्जिट कर रहा है, और उसने आई थिंक कुछ और कंट्रीज से भी एग्जिट लिया है या वो एग्जिट लेने का सोच रहा है, तो वो ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेटजी है। तो अगर टेलीनॉर एग्जिट करना चाह रहा है तो इसके मामले में जाहिर है कि तो नशीद साहब, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इस पॉइंट को सोचेगा कि एक इदारा जो इटसेल्फ खसारे में, जो अपने लॉसेस को ही नहीं पूरा कर पा रहा, अपने खर्चे नहीं सही तरीके से उठा पा रहा, वो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डील करेगा और कैसे लेके आगे चलेगा? उसका तो अपना खसारा बढ़ता जाएगा। अगर कोई प्रॉफिटेबल कंपनी होती जो बड़े प्रॉफिट्स में होती और उसको ये मौका मिलता तो शायद वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से इसको चला पाती। मे बी जो है जो मैनेजमेंट का जो व्यू है या पर्सपेक्टिव है कि एक एक जो है ना स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्रिएट होने से या एक लार्जर एंटिटी क्रिएट होने से शायद जो ऑपरेशंस इम्प्रूव होंगे, तो मे बी कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसी चीज़ को कंसिडर करेगा कि मार्केट शेयर इम्प्रूव होने से शायद जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड होगा या और दूसरी जो ऑपरेशनल रिसोर्सेज रिक्वायर होंगी वो शायद बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज हो सकेंगी। सही, तो इस वजह से शायद इसका अप्रूवल मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा। ठीक है, और सही, बहुत बहुत शुक्रिया नशीद मलिक साहब, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट टॉप लाइन से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त नए नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है, कहाँ तक जाएगी और कितना पोटेंशियल अभी मजीद है इसमें आगे जाने का, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान पीआई पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस को अब प्राइवेटाइज होना है और बार बार एक नई तारीख सामने आ रही है। अक्टूबर के शुरू में इस सिलसिले को मुकम्मल होना था लेकिन फिर मामला अक्टूबर के आखिर तक गया और अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला मज़ीद आगे जाएगा, बल्कि यकीनी तौर पर आगे जाएगा। लेकिन अब ये प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है, जबकि IMF भी ये चाहता है कि वो इदारे जो कि SOEs हैं, जो पाकिस्तानी मईशत पर बोझ हैं, उनको अब आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइज करके पाकिस्तान की इकॉनमी पर से जो एक बोझ है उसको ख़त्म किया जाए, तो इस पूरी सूरतयाल पर हम गुफ्तगू करेंगे साहब, जो हमारे माशियात भी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी भी हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम पिछले साढ़े सात साल में जब से प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री अलहदा हुई है उसके बाद से एक भी कोई कामयाब प्राइवेटाइजेशन अभी तक नहीं कर सके हैं, इसकी वजह क्या है? हम PIA को भी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, कमीशन भी इस सिलसिले में अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रहा, क्या वजूहत हैं आपकी नज़र में? जी थैंक यू। अब बात यह है कि हमारी जो होती है ना कार्रवाइयाँ वो लंबी होती हैं, तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। वेरियस एक्टिविटीज इफ यू लुक बैक ऑन द प्राइवेटाइजेशन लिस्ट तो कई चीज़ें हैं, कई इदारे हैं जिनका वो पहले कहा गया कि जी ये करना है, फिर कर रहे हैं, फिर उसके बाद वही डिले वाली बात चलती है। और इसी तरह से आप PIA की बात आप जो कर रहे हो ना, उसमें भी यही हो रहा है कि बस जी अब अगला फलानी डेट पे ये हम कर रहे हैं और हो जाएगा, लेकिन वो फिर अभी तक नहीं हो रहा। तो ये बात जो है ना, ये तो वहीं से उनको ही पता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली और वाई द डिले। ऑब्वियसली आई कांट से द रीज़न क्या है। तो अब्दुल्ला साहब, ये जो बिडिंग का प्रोसेस होता है ये मामला यहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा? 6 बड़े मेन प्लेयर 6 खरीदार मौजूद हैं, जो कमीशन है प्राइवेटाइजेशन का उसको आज गौर भी करना है 31 अक्टूबर को, अगर 2 रोज़ के बाद ये बिडिंग के मरहल तक पहुँचना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्या कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इस वक्त हमारे जो ख़रीदार हैं बायर्स हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे? देखें जो भी होता है ना वो एक पूरा ओवरऑल पहले से ही बताया जाता है कि ये होगा आपकी रिक्वायरमेंट्स और ये आपको करना होगा, जिसकी बेसिस पे फिर वो अगला बंदा पार्टिसिपेट करता है, बिड करता है और फिर उसके बाद वो आगे जो भी डिसीशंस हैं उसका वेट करता है। तो ये चीज़ जो है ना, अब ये बेसिकली
एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है प्राइमरीली, जिसका अब डिले वाली बात जो है ना वो उनका फैक्टर है, और क्यों कर रहे हैं और क्यों हो रहा है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क एट द मोमेंट। तो अब ये बताइएगा कि अब्दुल्ला साहब ये कितना बड़ा टेस्ट केस होगा, क्योंकि ये पहली प्राइवेटाइजेशन एक बड़े तवील अरसे के बाद होने जा रही है, और उसके बाद एक लिस्ट तो बहुत तवील है, इसके बाद स्टील मिल्स भी है और दूसरे कई ऐसे इदारे हैं जिनको फिर हुकूमत इस प्राइवेटाइजेशन के अमल से गुजारेगी, तो उसमें ये कितना बड़ा लिटमस टेस्ट है, कितना इंपॉर्टेंट है कि ये बड़ी स्मूथ तरीके से सारी ट्रांजेक्शन हो जाए। अब ये जो मैं कहता हूँ कि ये जो PIA वाला है ना इशू, अब ये एक बड़ी मिसाल है द प्राइवेटाइजेशन साइड, और इसमें वन वुड हैव टू वेट एंड सी के किस हद तक जो भी प्रोसेस है उसको मैनेज किया गया और टाइमली मैनेज किया गया। वी हैव टू जस्ट एक्चुअली वेट एंड सी, और फिर उसके बाद अगला जो भी है कार्रवाइयाँ जो है ना वो कब शुरू करनी है, कैसे होनी है और क्या होना है। सही, तो अब्दुल्ला साहब इसमें तो जो 6 खरीदार हैं वो सारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान के ही सब बड़े बड़े नाम हैं। इस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका कितना इस वक्त इंटरेस्ट है या दिलचस्पी है पाकिस्तान में, चूंकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ भी आपने काम किया है, इस वक्त पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी है, कुछ ममालिक के साथ पाकिस्तान के MOUs भी साइन हुए हैं, लेकिन अभी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने का जो सिलसिला है वो थोड़ा स्लो है, उसमें कितनी तेज़ी लाने की ज़रूरत है, कौन कौन से सेक्टर्स में आप समझते हैं कि इस वक्त ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को दरकार है? देखें, अब ये जो FDI की जो बात है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है फ्रॉम आर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, और उसमें हम जितना भी उसको ला सकें इट इज़ बेटर फॉर अस। लेकिन अब प्रॉब्लम हमारा जो है ओवरऑल इकोनॉमी का और वो सारा जो भी हमारा मसले मसाइल हैं मुल्क के, उसकी बेसिस के ऊपर अब किस तरह से और कितना आएंगे लोग और पार्टिसिपेट करेंगे और एक्चुअल होगी रिजल्ट होगा, क्योंकि अभी तो आपने जैसे कहा ना लोकल ही हैं सारे जिन्होंने बिड किया है, बट देर आर नो फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब उसके लिए एग्जैक्टली क्या और करना है हमने, हाउ आर वी गोइंग टू रियली रियली इनकरेज देम टू कम अलोंग, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस वाली बात होती है ना। एज ए फॉरेन इन्वेस्टर यू वॉन्ट टू बी श्योर कि अगर आप जा रहे हो एक मुल्क में जा रहे हो एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो ये नहीं है कि फिर कल को पता ही नहीं चले कि जी वो हमने इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन उधर को भी पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो ये हमारा एक है ना बड़ा क्वेश्चन मार्क है एट द मोमेंट। तो अब्दुल्ला साहब इस वक्त ज़ाहिर है जो दीगर कुछ सेक्टर्स हैं उनमें भी कुछ ममालिक की दिलचस्पी तो है, माइंस एंड मिनरल्स में सऊदीया की बड़ी दिलचस्पी है और वो वहाँ इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है। अभी चाइना के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए, उनके साथ भी कई माहदात पर दस्तखत हुए, उससे पहले मलेशिया का एक वफ्द आया हुआ था और वो भी पाकिस्तान में सरमाकारी करने के लिए वो भी राज़ी थे कुछ सेक्टर्स में। तो ये जब सरमाकारी हो जाती है उसके बाद ये कितने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनके फ़वाद फिर किस तरह से इकानमी को पहुँचते हैं? देखिए ना जी, एज एन इन्वेस्टर अगर कोई आता है तो फिर वो जाहिर है ही हैज़ टू ब्रिंग दैट कैपिटल टू इन्वेस्ट इन द कंट्री, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर उसने आगे अपनी रिटर्न भी लेनी होती है ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। ही हैज़ टू रियली रियली मैनेज द होल थिंग। तो उसमें हमारा जो होता है इकोनॉमी के जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कई दफ़ा वो भी इफ़ेक्ट करते हैं ऑन दैट प्रोसेस। तो अब ये चीज़ें जो है ना ये हैं जो कि हमें ओवरऑल देखने हैं और करनी है, ताकि ये चीज़ इस तरह से जो है ना इफ़ेक्ट ना आए और इसको आप इन्वेस्टर को आप अट्रैक्ट कर सको, बिकॉज दैट इज़ रियली यूज़फुल फ्रॉम आर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। और अब्दुल्ला साहब इसमें आप SIFC का कितना किरदार देख रहे हैं, चूँकि 1.5 साल पहले जब इसका क़याम अमल में आया है उस वक्त तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बहुत ही ख़राब हालात थे, अब इसके थ्रू कम अज़ कम कुछ ममालिक के आला सतही वफूद ने दौरे भी किए हैं, इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स भी किए हैं, तो इस SIFC का एक कलीदी किरदार आप पाकिस्तान की फ़ॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इस वक्त देख रहे हैं? एक्चुअली ये इस वक्त तो ये पॉजिटिव बात है, विच इज़ अच्छी चीज़ है जो नज़र आ रही है,
एंड आई होप दैट गोइंग फॉरवर्ड इसमें हमें फायदा होना चाहिए। सही। और अगले दो चार साल में चूंकि पाकिस्तान को बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स भी मुख्तलिफ ममालिक की वापस करनी है, पाकिस्तान एक IMF के प्रोग्राम में भी है, तो इस वक्त पाकिस्तान को कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि वो एक बैलेंस पाकिस्तान में बन सके, जॉब्स क्रिएशन हो सकें और ओवरऑल एक इकॉनमी को फ़ायदा हो सके, एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान की बढ़ सकें, इस वक्त कितनी पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? देखें, अभी जो बात आपने की है ना, हमारा तो एक बहुत बड़ी जो पोजीशन है, जो प्रॉब्लम है, वो हमारा टोटल डेट है और डेट सर्विसिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो एक बहुत लार्ज अमाउंट इज रिक्वायर्ड जी। और फिर उसमें एक तरफ लोकल इन्वेस्टर होता है, दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर होता है। तो अब ये जो है ना, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी नीड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली, ठीक है, व्हिच इज देयर, व्हिच इज नेसेसरी टू कवर आवरसेल्व्स, आई वुड से, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला यूसुफ साहब, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी खासी ज़रूरत है और हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इस वक्त नए नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। आज भी एक मौका था जब इंडेक्स 91,000 की सतह को भी उबूर कर गया था, फिर क्लोजिंग इंडेक्स 90,800 से ज़ायद रहा है। तो अब इस तेज़ी की वजूहात क्या है, कितनी लॉन्ग टर्म साबित हो सकती है और 4 नवंबर को जब नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा तो वो मज़ीद कितना मोमेंटम क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद चुनाय साहब, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये अचानक जो एक बूम आया है इस मार्केट में पिछले 7-8 माह के दरमियान, इसकी क्या बुनियादी वजूहात आप समझ रहे हैं और ये कितना लॉन्ग टर्म मोमेंटम है अहमद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे जो एक ट्रस्ट लेवल्स का फुकदान था वो अब आ गया है और इसमें आप ये अगर गौर से देखें रोज के फिगर्स, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी जो है वो काफ़ी एक आपको झलक नज़र आती है। जहाँ लोकल इन्वेस्टर सरगर्म अमल है वहाँ फॉरेन इन्वेस्टर भी सरगर्म अमल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो आज मार्केट ट्रेड कर रही है उसका अगर पी रेशो देखें तो प्रॉफिट अर्निंग रेशो जो है, जो नॉर्मली दुनिया भर में 11-12 होता है, 12-13 होता है, हमारे पास 8-9 नॉर्मल चलता है, उसकी जगह पे हम 3-4 की पी रेशो पे थे जो अब 4 और 5 के दरमियान कहीं आ गए हैं। तो आज भी मार्केट में बहुत बड़ी गिनती है, मार्केट जो है वो अपने जिस भी लेवल पर ट्रेड कर रही है, मेरी जाती सोच ये है कि मार्केट जो है वो और आगे वाइब्रेंट नज़र आती है। शेयर होल्डर्स के लिए चाहिए, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये चाहिए कि अब जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हों वो इन्वेस्टमेंट देख के ज़रूर करें। जो रिलायबल स्टॉक्स हैं, जो सालों साल से डिविडेंड दे रहे हैं, जिनकी कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनको जो है वो ज़्यादा टच करने की बात करें। कुछ लोग जो है वो भेड़ चाल जो है वो चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो भेड़ चाल में मुख्तलिफ स्टॉक्स की तरफ चले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि लोग सोच समझ कर अगर इन्वेस्टमेंट करें तो इस मार्केट में अब भी काफ़ी वाइब्रेंसी है और काफ़ी स्कोप मौजूद है। तो अहमद साहब, जो इंडेक्स की ग्रोथ जिस हिसाब से और जिस स्पीड से चल रही है, क्या उसी हिसाब से मार्केट का वॉल्यूम भी ग्रो कर रहा है, यानी नई इन्वेस्टमेंट भी लोकल या फॉरेन की ज़रूरत में इस वक्त मार्केट में आ रही है? चूँकि इंडेक्स को तो हम बहुत ऊपर जाता देख रहे हैं, ओवरऑल वॉल्यूम मार्केट का किस रफ्तार से बढ़ रहा है? देखिए, वॉल्यूम भी मैं समझता हूँ कि प्रोपोर्शनेटली ज़रूर बढ़ रहा है, रोज़ाना वॉल्यूम्स भी मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं। जो पहले कम वॉल्यूम थे अब आहिस्ता आहिस्ता बदतरी बढ़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडेक्स का बढ़ना और वॉल्यूम का एड ऑन होना डेली बेसिस पे दोनों जो हैं वो अच्छी साइंस हैं और दोनों आपस में इनकी सिमेट्री मिल रही है। ये नहीं हो रहा कि रेट बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। अगर आप और करें तो जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स थे पर मंथ वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो है वो वाइब्रेंट है, आगे इंशाल्लाह रहेगी और मार्केट का ये टेम्पो, पॉलिटिकल हालात, फिर कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को आगे बेहतरी की उम्मीद है और इस उम्मीद पर जो है वो मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है। और अहमद साहब, बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो कि बहुत सारे माशी तज़ियाकार भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अब ये इंटरेस्ट रेट भी अगली 2 रिव्यूज़ में कोई 12-12.5% के अराउंड पहुंच जाएगा, 4 तारीख को इसमें 2.5% की कमी हो जाएगी, तो ये कितना हेल्पफुल होगा मार्केट के लिए, इससे मज़ीद कितनी बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि
जाहिर है इंटरेस्ट रेट का कम होना जो है वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है, और 2-2.5% की अगर कमी हो जाती है पहले फेज में, और दूसरा फेज जो है वो 16 दिसंबर को है, वहाँ भी 2-2.5% अगर हम देखते हैं और 12-12.5% पे ईयर एंड करते हैं, तो फिर मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ जो लोकल मार्केट है वो भी मोबिलाइज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो जाएंगी, इंडस्ट्री भी लगना शुरू हो जाएगी, और इसके बाद जो है इन सब चीज़ों के बाद स्टॉक मार्केट नई लिस्टिंग के साथ मौजूदा लिस्टिंग के साथ एक वाइब्रेंसी की शक्ल अख्तियार कर जाएगी। ये भी हमारा फर्म बिलीव है और हमारा हमेशा से मुतालबा FPCCI के प्लेटफॉर्म पर ये रहा है कि जो कि 6.9% हमारा इन्फ्लेशन रेट है, और इन्फ्लेशन रेट से 0.5% ऊपर जो है वो हमारा जो है वो डिस्काउंट रेट होता है, तो वो डिस्काउंट रेट 10 डिजिट के नीचे आना चाहिए। जब डबल डिजिट के नीचे आने की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम 8-9% हम आगे आने वाले दिनों में दिसंबर के बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं, और इसके बाद मार्केट में कैपिटल ग्रोथ भी आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, GDP ग्रोथ भी जो हम 3.5% की बात कर रहे थे मुमकिन है कि वो हम 4-5% पे क्लोज करें या रेंट पर, क्योंकि सारी वाइब्रेंसी है और इसमें स्टॉक मार्केट भी और मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो अहमद साहब, चूंकि इंडेक्स में रोज नए नए रिकॉर्ड, रोज नई एक ग्रोथ सामने आ रही है, तो ये क्या एक आइडियल टाइम कहा जा सकता है नए इन्वेस्टर्स के लिए कि वो आए और इन्वेस्ट करें? चूंकि एक आम तासुर ये बना हुआ है कि जब मार्केट डाउन हो, डाउनफॉल की तरफ जा रही हो, तो नया इन्वेस्टर उस वक्त आए ताकि जब इंडेक्स ऊपर जाए तो उसको मैक्सिमम फायदा हो सके। अब जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है तो क्या ये नए इन्वेस्टर के लिए एक ऐसा टाइम है जो कि अट्रैक्टिव हो और वो आए और मार्केट को ज्वाइन करे? देखिए, मेरा हमेशा से ये बिलीव है कि इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। डिपेंड ये करता है कि आप किस स्क्रिप्ट पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और वहाँ पर आप कितनी गुंजाइश मौजूद है। देखिए, जब मार्केट इतनी वाइब्रेंट हो जाए तो हमारा इन्वेस्टर्स को हमेशा मशवरा ये होता है कि अब आप स्टॉक्स को, स्क्रिप्ट को अच्छी तरह स्टडी करके उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये आँख बंद करके भेड़ चाल में कि कुछ कह दें कि सुबह जो है वो ऑयल के शेयर ले लो या सुबह फला के शेयर ले लो, उस पर जाने की कोशिश मत करें। आइडियली ये है कि जी आप अपनी रिसर्च करें, जो रिसर्चर्स बैठे हुए हैं स्टेक होल्डर्स के पास, उनके पास जाएं और उनकी रिसर्च पे बेस करके, उनसे तबादला ख्याल करके आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें। देखिए, आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं अदर देन स्टॉक मार्केट, तो 10 दफ़ा उस पर बात करते हैं, सोचते हैं, मार्केट फिजिबिलिटी देखते हैं और उसके बाद अपनी आउटलेट देखते हैं और फिर जो है वो जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इसमें कोई मुज़ाहरा नहीं कि आप अच्छे रिसर्चर्स के साथ बैठे हैं, अच्छे ट्रैक होल्डर्स के साथ बैठे हैं, उनके साथ इन्वेस्टमेंट पर बात करें और फिर जहां आपको एडवाइस के साथ कि ये स्क्रिप्ट बेहतर है, उन स्क्रिप्ट में जो है वो फिर एंट्री दें। सही। और अहमद साहब, जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी, ओवरऑल स्टॉक मार्केट से हटकर भी बहुत सारे सेक्टर्स में ज़रूरत है और हुकूमत कोशिशें भी कर रही है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वो वहाँ, जाहिर सऊदी अरब ने माजी में भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया है, दीगर ममालिक भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस वक्त ये इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी होगी पाकिस्तान के लिए? माइंस एंड मिनरल्स का शोबा है, दूसरे कई ऐसे शोबे हैं जहाँ से दूसरे ममालिक इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इस वक्त ये सारी कोशिशें हुकूमत की कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हुकूमत तो मुसलसल IMF के साथ और दूसरे इदारों के साथ और फ्रेंडली कंट्रीज के साथ बातचीत में मसरूफ अमल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह हुई है कि जो हमारे रोल ओवर्स थे वो अब 36 महीने के लिए हो गए हैं, जैसे कि पीछे बताया गया है, तो इसलिए उस रोल ओवर्स में तो हमें कोई इशू नहीं है। साल की $24 बिलियन की तकरीबन पेमेंट है, गवर्नेंस मरतब है। सिर्फ मेरा ख्याल है कि जो करंट सिचुएशन है उसमें करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो पॉजिटिव में चला गया है, और मैं करंट अकाउंट जो है वो हमारा जब पॉजिटिव जाता है $6-7 बिलियन आराम से पॉजिटिव चला जाएगा, तो बाकी फंडिंग के साथ और बाकी हमारी जो रिपेमेंट्स हैं जो डिफर्ड हैं उनके साथ, ये सारी चीज़ें मिला के मैं समझता हूँ कि अचीवेबल टारगेट है, हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा और हम ये $24 बिलियन जो है वो साल के आखिर में तक इंशाल्लाह दे पाएंगे। और जब हम दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स का, पूरी दुनिया के जो हमारे फंडिंग करने वाले लोग हैं उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि इस $24 बिलियन को भी अगर हम बीट कर रहे हैं तो बाकी आगे जाके जो है
वो एक इंकरेजमेंट आएगा फॉरेन डोनर्स की तरफ से, लेंडर एजेंसीज की तरफ से, और पाकिस्तान जो है वो बेहतर इकोनॉमिक पोजीशन में आ जाएगा। और अहमद साहब, इस सारी एफर्ट के नतीजे में हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के कितने चांसेज हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ के कितने चांसेज हैं? चूंकि 60 बिलियन डॉलर्स का जो एक टारगेट सेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने, जाहिर है वो 2-3 साल में क्या वो अचीवेबल होगा अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो? देखिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिन पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है और दी जानी भी चाहिए, जिसमें स्टेट एवएमआर, आईटी सेक्टर है, माइंस एंड मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है। इन सब की एक्सपोर्ट्स जो है वो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में डबल ट्रिपल हो जाएगी। और जब ये डबल ट्रिपल हो जाती है और हमारी जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल्स की, जो तकरीबन 17-18 बिलियन डॉलर पर हैं, और उसमें भी अगर ये हमारे बिजली के नोट कम हो जाते हैं, हमारे जो यूटिलिटी चार्जेस हैं वो मिनिमम जो इंटरनेशनल एट पार मार्केट रेट्स आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी बेहतरी आएगी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये सारी इम्प्रूवमेंट मिला कर जाहिर है एक अचीवेबल टारगेट जो है वो हमें लेना पड़ेगा, और उस अचीवेबल टारगेट में हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले सालों में जो है वो बिल्कुल बढ़ सकती है। और अहमद साहब, इसका जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है एक एंड कंज्यूमर तक, या एक आम जो पाकिस्तानी है ये उस तक कब पहुंचेगा? इन्फ्लेशन रेट हम सिंगल डिजिट में तो मंथली बेसिस पर ले आए, लेकिन उसका एक कोई खास असर एक आम आदमी के लिए इस वक्त मौजूद नहीं है। उसके लिए महंगाई शायद कम नहीं हुई, चूँकि परसेंटेज वाइज तो कम हो गई, पैसों के हिसाब से तो अभी भी उसी जगह पर मौजूद है। तो ये एक आम आदमी तक फ़ायदा पहुँचाने के काबिल कब होगी हुकूमत? देखिए, दो चीज़ें इसमें नहायत अहम है जो हमें देखनी चाहिए। वैसे तो आप किसी को कहेंगे जी अपने अपने चार्जेस कम कर दो, अपने रेट्स गिरा दो, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई पे होती हैं। हमने अपनी सप्लाई को बढ़ानी पड़ेगी, और सप्लाई को जब बढ़ाने की हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसमें लाजमी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पाकिस्तान में आती है, हमारी एडिशनल फैक्ट्रीज आती हैं, हमारे एडिशनल कंपटीटर्स सामने आते हैं, और उनका माल अगर सस्ता बिक सकता है तो फिर जब ये इन्फ्लेशन का मुकाबला जब हो रहा होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी, और उसका डायरेक्ट ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आम आदमी पर आएगा। वो आज एक आध महीने में नहीं आ सकता, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 12 महीने इसमें हम समझते हैं कि कोई बेहतरी हो सकेगी और लोगों को इस जो शदीद महंगाई है उससे निजात मिल सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चुनाय साहब, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।